ज्यादा पानी आ गया, पूरी रात बारिश हुई थी। हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। आज का व्लॉग जहाँ से कंटिन्यू करते हैं, पूरे दिन बारिश हुई कल और आज, अभी भी बारिश शुरू हो गई है धीमे धीमे। अभी हम जहाँ से जा रहे हैं फार्म पर जाएंगे और देखेंगे वहाँ पर कितना पानी भरा है और क्या क्या हुआ है फार्म पे, कितना नुकसान हुआ है, वो सब हम देखेंगे। तो चले चलते हैं फार्म पर। ये वीडियो पूरा देखना, मैं आपको सब कुछ दिखाऊँगा। अभी बारिश स्टार्ट हो गई है, मैं घर के अंदर जा रहा हूँ, बहुत ज़्यादा बारिश स्टार्ट हो गई है। गांव का पानी जा रहा है, ठंडा ठंडा पवन आ रहा है, वातावरण एकदम ठंडा हो गया है। अभी बारिश हुई है, कल पूरी रात बारिश हुई और कल पूरे दिन बारिश हुई और आज सुबह सुबह बारिश स्टार्ट हो गई। आप देख सकते हैं, मैं और शैलेश भाई जा रहे हैं अपने फार्म पर, वहां पर देखते हैं कितना पानी आया है, काम पर कितना पानी भर गया है। ये देखो पूरा खेत पानी से भर गया है और अभी हम पहुंचने ही वाले हमारे फार्म पर, आ गए हमारे फार्म पर। दोस्तों, हमारे फार्म के बाजू में रुक्मावती नदी निकलती है, वहां पर कितना पानी आया है वो हम जाके देखते हैं। जहां से हम जा रहे हैं रुक्मावती नदी में, वो मैं आपको दिखाता हूँ, उसके बाद हम जाएंगे फार्म के अंदर। अभी बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है, यहाँ पर पानी का आवाज़ आ रहा है ऊपर तक, तो पानी बहुत ज़्यादा आ गया है। वो मैं आपको दिखाता हूँ कितना पानी आ गया है, अभी पूरी रात बारिश हुई थी। तो दोस्तों, बहुत ज़्यादा पानी आ गया और यहाँ पर गांव के लोग नदी में आए देखने के लिए। आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा पानी आ गया, पूरी रात बारिश हुई थी। देख सकते हैं कितना पानी जा रहा है पीछे से। यह रुक्मावती नदी है, कच्छ की सबसे बड़ी नदी है। सारे लोग यहाँ पर देखने के लिए भी आए हैं, कितना पानी आया है अभी नदी के अंदर। तो दोस्तों देखिए, पूरी रात बारिश हुई थी, अब फार्म पर पानी भर गया है। बहुत ज़्यादा नहीं भरा है लेकिन थोड़ा थोड़ा भर गया है। अब अंदर चलते हैं और देखते हैं अंदर क्या हुआ है।
यहाँ पर भी पानी भर गया है पूरा। अभी बारिश रुक गई है इसलिए पानी सब जमील में चला गया है। और ड्रैगन फ्रूट के बीच में पानी भर गया है। अभी थोड़ा ड्रैगन फ्रूट हमें उतारना है, लेकिन देखते हैं अंदर जा सकते हैं या नहीं। 20-25 किलो का ऑर्डर है, वो आज ही देना है हमें, तो हम अंदर जा सकते हैं तो उतारेंगे। दो दिन से बारिश हो रही है। पेड़ पौधे भी देखो कितने मस्त लग रहे हैं, चमक रहे हैं एकदम। बारिश आते है उसके बाद पेड़ पौधे सब चमकते हैं, एकदम मस्त चमकते हैं। देखो हमारे ड्रैगन फ्रूट भी चमक रहे हैं यहाँ से। देख सकते हैं पानी भर गया है, बीच में जा भी नहीं सकते ऐसा लग रहा है। बारिश होने के बाद सिर्फ बारिश ही थी, पावर नहीं था, इसलिए कुछ हुआ तो नहीं है। अभी अभी पानी भरा हुआ है, आप देख सकते हैं बीच में कहीं कहीं पानी भर गया है, कहीं कहीं नहीं है पानी। देखो पूरा नजारा बारिश होने के बाद इतना अच्छा लग रहा है। ये देखो बाजू में जो खेत है उसमें भी पानी भर गया है। अभी फिर से थोड़ी थोड़ी बारिश चालू हो गई है। ऐसा मस्त ठंडा ठंडा माहौल है, घूमने की भी मजा आ रही है, बहुत जबरदस्त नजारा है। और अभी बारिश शुरू हो गई है फिर से। अब दोस्तों फिर से बारिश स्टार्ट हो गई है, आप देख सकते हैं। हम लोग आए थे ड्रैगन फ्रूट उतारने के लिए, लेकिन अब बारिश फिर से स्टार्ट हो गई है। सुबह से ऐसा हो रहा है, थोड़ी देर बंद रहती है और थोड़ी देर में स्टार्ट हो जाती है। अभी मॉनसून चल रहा है तो ऐसा ही होने वाला है, ठंडा ठंडा वातावरण है और पूरे दिन बारिश गिरती रहती है। अभी दो दिन में भाई और भाभी आने वाले हैं स्वीडन से, उससे भी आपको मिलवाएंगे, उससे भी बात कराएंगे, तो उसका भी हम इंतज़ार कर रहे हैं। जैसे ही आए आपको पता चल जाएगा, हमारे व्लॉग में आपको दिखने को मिलेंगे। तो फ्रेंड्स आज का वातावरण आप देख लीजिए, अभी बारिश रुक गई है। लेकिन बारिश कभी भी आ सकती है। तो दोस्तों हमारा व्लॉग आपको कैसा लग रहा है कमेंट करके जरूर बताइए। ये मॉनसून चल रहा है तो अभी सारे व्लॉग मॉनसून के ही आने वाले हैं। तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन की घंटी को दबा दीजिए। तो ऐसा ही मज़ेदार व्लॉग आपको हमारे इस चैनल पर देखने को मिलेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो इस बारिश के सीजन का एंजॉय करते हैं और इस व्लॉग को यहाँ पर समाप्त करते हैं। तो चलिए दोस्तों ये वीडियो हम यहाँ पे समाप्त करते हैं और अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।